उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पुलिस और हिंदूवादी संगठनों के बीच गतिरोध जारी है। बीते रोज कुछ हिंदूवादी संगठनों ने उत्तरकाशी में स्थित एक मस्जिद को अवैध बताते हुए उसके लिए जुलूस निकालने की परमिशन पुलिस से मांगी थी। प्रशासन और पुलिस ने इन संगठनों को परमिशन तो दी, लेकिन एक तेज रास्ते से जाने के लिए इनसे कहा गया था, लेकिन प्रदर्शन के दौरान तमाम प्रदर्शनकारी उस रास्ते पर जाने पर अड़ गए जिस रास्ते पर मस्जिद थी। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, ऐसे में विवाद बढ़ते हुए पुलिस पर कुछ लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने अपने बचाव में लाठी चार्ज किया। लाठी चार्ज होने के बाद कई प्रदर्शनकारी समुदाय विशेष की दुकानों पर पहुंचे और उसके अंदर तोड़फोड़ करने की कोशिश की। ऐसे में पुलिस ने पूरे ज़िले में धारा 163 लगा दी है, जो पूर्व में धारा 144 हुआ करती थी। किसी भी स्थल पर 5 से ज़्यादा लोगों को एकत्र होने की परमिशन नहीं है। फिलहाल उत्तरकाशी में हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन जारी रखा हुआ है और पुलिस और हिंदूवादी संगठनों के बीच जो गतिरोध है वो लगातार जारी है। पुलिस का कहना है कि स्थिति सामान्य है, लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने ये भी कहा कि जो मस्जिद है जिसे अवैध बताया जा रहा था वो पूरी तरह से वैध है। 1980 के आसपास मस्जिद एक प्राइवेट भूमि पर बनी थी जो कि उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है। ऐसे में मस्जिद को अवैध कहना सही नहीं होगा, लेकिन कुछ हिंदूवादी संगठन हैं जो लगातार मस्जिद को अवैध बता रहे हैं, उसे तोड़ने की मांग कर रहे थे। कल उत्तरकाशी में संयुक्त सनातन धर्म रक्षक संघ द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में उनको सशर्त परमिशन प्रशासन द्वारा दी गई थी, उसमें इनका रूट डिसाइडेड था, समय भी डिसाइडेड था, तो वो उस रूट से न जा करके दूसरे रूट से जाने के लिए बैरियर पर काफ़ी देर तक हुज्जत करते रहे। उसमें पुलिस वालों ने उनको बहुत पेशेंटली उनको रोका। कुछ उसी प्रदर्शनकारियों में से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसपे फिर हल्का बल प्रयोग करके उनको वहाँ से तितर बितर करना पड़ा। इसमें हमारे कुछ पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं, कुल 8 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। इसमें प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह, निरीक्षक आशुतोष सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक दिलमोहन सिंह, उप निरीक्षक कोमल रावत, उप निरीक्षक विनोद पवार, उप निरीक्षक दीपक रावत, कांस्टेबल अनिल कुमार और कांस्टेबल सरदार सिंह। इसमें इंस्पेक्टर आशुतोष सिंह और कांस्टेबल अनिल कुमार को गंभीर चोटें आई हैं। इसके अतिरिक्त कुछ प्रदर्शनकारियों को भी चोटें आई हैं, उनकी सूची अभी उपलब्ध नहीं है। उसके बाद पूरे उत्तरकाशी जनपद में 163 BNSS की धारा लागू कर दी गई, यानी जो पहले IPC के 144 हुआ करती थी। इसमें अब 5 से ज़्यादा लोगों का समूह एक जगह एकत्रित नहीं हो सकता, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता, जुलूस नहीं निकाल सकता। पूरी तरह से शांति व्यवस्था यहाँ उत्तरकाशी जनपद में कायम है और मैं जनता से अपील करता हूँ कि हमारी शांति व्यवस्था कायम रखने में हमारी मदद करें। फिलहाल पुलिस ने कुछ लोगों को चिन्हित किया है जिनके खिलाफ कार्रवाई की जानी है। उत्तरकाशी जैसे शांत ज़िले में लगातार बढ़ता गतिरोध पुलिस और प्रशासन के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। बता दें, पिछले कई दिनों से पहाड़ के कई इलाकों में समुदाय विशेष के खिलाफ हो रही नारेबाजी प्रदर्शन, इसको लेकर के तमाम मुस्लिम संगठनों ने भी चिंता जाहिर की है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।